हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी लोकवाणी कविता छठी, ऐसा भी होता है कविता का स्वाध्याय। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। पद्य में आए प्राकृतिक घटक सूरज की किरण, मेघ, रवि, धरती। फिर है दूसरा प्रश्न, उचित शब्द लिखिए। सहम कर कांपने वाली कच्ची दीवार, घोंसला उजड़ने पर रोने वाला पखेरू या पंछी, सुख दुख बांटने वाला डाकिया, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली बूढ़ी माँ। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, किरण शब्द की दो विशेषताएं, निर्मल किरण, थकी हारी किरण। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। सामान्य वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं। सामान्य भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे। संधिगत वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे होंगे। पूर्ण वर्तमान काल, गांव वाले ने भी खूब परिश्रम किया है। सामान्य भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया। अपूर्ण वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं। पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था। संधिगत भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया होगा। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। मेरा प्रिय त्यौहार विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। मेरा प्रिय त्यौहार, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। भारत में दीपावली, होली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्यौहार की अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विशेषता होती है। इस प्रकार प्रत्येक त्यौहार का अपना महत्व होता है। सभी को त्यौहार अच्छे लगते हैं, मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है, इसे दिवाली भी कहते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनत्रयोदशी, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 पर्व 5 दिन मनाए जाते हैं। अमावस्या के आधी रात जगमग दीपों से जगमगाने लगती है। यह दृश्य बहुत ही मनोरम व अद्भुत होता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस पधारे थे। इसी कारण लोगों ने खुश होकर अपने घरों के द्वार पर भगवान के स्वागत हेतु दीप जलाए थे। तब से यह शुभ दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली की शाम को लोग देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। इस दिन लोग अपने परिवार वालों के पास जाकर उनसे मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्यौहार शांति, भाईचारा व एकता का संदेश देता है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना और एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ निर्माण करने का संदेश दीपावली से मिलता है। इसलिए हर्षित होकर मैं कहती हूँ त्यौहार है दीपावली का, सुख समृद्धि और खुशहाली का। बुराई के राक्षस को मन से भगाए, हृदय में शांति का दीपक जले। तो इस प्रकार हमारा इस कविता का स्वाध्याय यही खत्म होता है। Like this video, then please like, subscribe, share, and also don't forget to comment. Thanks for watching.